पता नहीं किसकी पॉटी होटी पड़ी, मान ही नहीं रही है। यहाँ से जाने के पहले तुमने ये तोड़ा था मेरा तो पूरा गिर गई तोड़ तोड़ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह सुबह का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था तो कुछ रोटी वोटी खाने का मन नहीं कर रहा था ना, तो मैंने ये बिरयानी बनाया हुआ, वेज बिरयानी। इसमें मेरे पास सोयाबीन नहीं थे तो वो नहीं ऐड किया, बाकी प्याज, बंधा, शिमला मिर्च, चावल और जो मतलब सारे सामान ऐड करते ना सब ऐड करके बना दिया टेस्टी सी। और इसके साथ ही मैंने दाल रात में भिगो दिया था तो वही दही बड़े भी सुबह सुबह बना दिए ताजे, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वही मेरे हस्बैंड ने बोला तो बना दो, चलो काफ़ी टाइम से हम लोगों ने खाया नहीं तो मैंने बना दिया हस्बैंड की फरमाइश पे। उसके बाद हम लोग फ्री हो गए थे, वेदर भी ठीक ही ठाक था तो हम लोगों ने सोचा चलो बाहर चलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता छुट्टी वाले दिन। तो मैं कहती हूँ क्या मैं पसंद नहीं हूँ या बेबी पसंद नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगता घर में हम लोगों के साथ? तो वो कहते हैं तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा मन करता है कि तुम लोग इतने अच्छे हो और तुम लोगों को मैं बाहर घुमाऊं। मतलब बात ऐसे पलटते हैं कि क्या ही मैं बताऊं। तो वही कहते तुम लोग इतने अच्छे हो तो तुम लोगों के साथ चलो बाहर घूमने चलते हैं, सब दिखाते हैं घुमाते हैं। तो वही हम लोग यहाँ घूमने के लिए आ गए और यहाँ पता भी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे, कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं, बस रेडी होके ऐसे घर से निकल चुके हैं। लगभग 1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और अभी समझ ही नहीं आ रहा जाएं किधर। देख लो लग रहा सीएनजी हवा में आती है हमारी गाड़ी में, मतलब फ्री में आती है, जबरदस्ती निकल के आए घर से बाहर। पार्क पड़ रहे बट अभी लोला मेरा बेबी सब बता रहा है कि कार है, काऊ है, डॉगी है, जो वो देखती है वो बता देती है भाई। बाव बाव। बिना किसी काम के हम लोग ऐसे आवारों जैसे घूम रहे, जैसे लग रहा कोई घर में काम ही नहीं रह गया है। फाइनली हम लोगों ने पार्क जाने के लिए डिसाइड किया है और यहाँ पे 2 समोसे लेने गए मेरे हस्बैंड। बेबी तो पूरा टाइम खड़ा रहता है ऐसे, मैं उसको बोलती हूँ बैठ जाओ, बैठती ही नहीं है। मेरे ऊपर पैर वैर रख के यही स्लीपर से पूरे रोड पे चल के आई थी। डोंट पुट फिंगर्स डर्टी डर्टी नो नो। ये मेरी कार के ऊपर शहतूत था तो मैं इसको खा लूंगी, मेरे हस्बैंड कॉलोनी में उठा के खाने नहीं देते तो आज मेरी किस्मत में तो मैं खाऊंगी। मेरी बेबी देख रही कह रही दे दो खा लो। नहीं यार वॉश करूंगी ना, शायद इस पे कोई कीड़े वीड़े लगे होंगे ना। नहीं। और हम लोग यहाँ पे देखे पार्क, आगे भी काफी सारी धूप है बट हवा भी अच्छी चल रही, छांव में कहीं बैठ जाएंगे और क्या। लग रहा था लेट हो गए। नहीं और ये रहे 2-3 समोसे। इसमें काऊ कहाँ है, इसे काऊ कहाँ दिख गया? यार जहाँ फूल ना हो उधर ही चलना, नहीं इतना ये तंग कर लेती है, इसको फूल ही चाहिए होते है बस। छांव चलो कहीं भी चलो। बॉल यार इसकी नहीं लाए, नीचे देखो कैसे मोरंग वाली है। मेरी बेटू तो बाहर आके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि इसको बड़ा सा एरिया मिल जाता है ना खेलने के लिए। जैसे हम लोगों के घर में इतनी स्पेस तो नहीं है खेलने के लिए, तो बाहर आके इतना खेलती है क्या बताओ। यहाँ पे कुछ लोग रोमांस करे, खुला खुला मौसम, आई एम एंजॉयिंग। और मैंने बैग और समोसा वगैरह उधर रख दिया। बेटू व्हाट आर यू डूइंग शो मी, दिखा। ये एक भी फोटो नहीं क्लिक करा रही। और उधर देखो कुछ पेरेंट्स से फोटो क्लिक कर रहे हैं बच्चों की। चलो खा भी लेते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, अभी आएगी जैसे मैं खाने लगूंगी। यार ये सॉस पता नहीं कितने दे देता हमें, तो यही आज तक इसकी बात नहीं हजम हुई है। दो ये, 3 पैकेट ये और हों को इसके, पता नहीं कितने दे देता है उठा के। इस बार तो चलो फिर भी 5 ही दिए हैं, लेकिन फिर भी लेट भी दिए तीन। ओहो वाओ, चटनी पैक करने में अलग अलग पन्नी में उसकी नानी मरती थी। हाँ 3 प्लेट दिया है बेटा, इसीलिए तो उसकी बंद हो गई है। चलो 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 खाते हैं। इसको एक पकड़ा दो, ये चुप रहे तो दे रहे हैं, वो नहीं लेना बेटू। ओ गरम है, देखो पहुंच नहीं पा रही, कह रही हैंड मेरा पकड़ो फिर पहुंचेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे पता एक पेड़ था जिसका पिंक कलर की लीव्स आती थी, मुझे याद है यहाँ पे था। हाँ कट गया लग रहा है। हाँ बेबी नहीं टूट रहा, कुछ ज्यादा ही मजबूत है। पूरा गिर गई तोड़ तोड़ के। पकड़ो पकड़ो, मम्मा भाग रही है, मम्मा को पकड़ो। आओ 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 आओ। मेरी मम्मा वाली ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई क्योंकि यहाँ पे आए हुए काफी देर हो गई, बेबी ने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि समोसा वगैरह कहाँ खा पाती है ना, बच्चे कहाँ खाते है सब। तो मैं एक बनाना ले गई थी घर से तो उसको बनाना थोड़ा थोड़ा खिला रही है और वो भाग रही है, खूब भाग रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही पूरा मतलब। और इसलिए भी भाग रही क्योंकि कहीं वो गिर जाएगी ना तो उसको पीछे पीछे पकड़ ही रहूँगी मैं। और बनाना भी खिलाना दोनों काम साथ में हो रहा, मतलब इतना ज़्यादा मुझे दौड़ा रही बेबी, ऊपर से गर्मी अलग लग रही, गुस्सा भी आ रही, लेकिन क्या करूँ। अगर उसको खाना नहीं खिलाऊंगा तो मेरे हस्बैंड उसको कभी बनाना खिला ही नहीं पाएंगे। अगर वो चाहेंगे भी कि खिला दूँ लेकिन बेबी खाएगी नहीं उनके हाथ से क्योंकि वो बहुत नौटंकी दिखाती है। यार पता नहीं किसकी पॉटी होटी पड़ी, मान ही नहीं रही है। ओ
उठ, ये लो बेटू, एक डॉगी को बड़ा सा ओपन ही माउथ, एक डॉगी को अच्छा छोटा सा खा लो, हाँ खा लिया, चलो और एक डॉगी को ना फ्लावर दे देते हैं, चलो कम अभी पापा जी को पकड़ो, पापा जी को पकड़ो, रनिंग। बहुत टाइम हो गया था तो मैंने हमारा को बनाना खिला दिया, क्योंकि मेरे हैंड सॉरी खिलाने के बाद मेरे हैंड इतना स्टिकी हो रहा, वाइप से क्लीन किया तो बट फिर भी इतना अच्छे से क्लीन नहीं होता ना जब तक वाटर ना यूज़ करो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि अब शाम हो गई, धूप भी जाके मच्छर बहुत लग रहे हैं। आज तो मेरे ब्लॉग में कभी कुछ बोलते ही नहीं, जैसे लगता है इतना ज़्यादा भगाती है, देखना पेट ना दबे, इसने बनाना है। बेटू बाय बाय कर लो सबसे, बाय कहते जा रहे हैं हम, बोलो बोलो जा रहे हैं, जा रहे हैं। कितना प्यार से बोल देती है। हम लोग कार में आ गए, पहले मैं कार में आगे बैठते थे लेकिन बेबी बहुत तंग करती थी, बोलती थी पापा ड्राइविंग करे तो भी बोलती थी गोदी ले लो गोदी ले लो, तो इसीलिए मैं पीछे बैठने लगी पीछे, क्योंकि काफ़ी स्पेस मिल जाता ना तो वो खड़े होकर पीछे पीछे देखती रहती और मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे भी मतलब काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी लेकिन कुछ खाने का मन नहीं था क्योंकि समोसा ऑलरेडी खा लिया था, तो गन्ने का जूस एक जगह मिल रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलो कुछ खाते हैं सर पीते हैं जूस, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं पिया, तो वही मैं उनको वॉलेट दे रही हूँ निकाल के, ठीक है आप ले आइए, हम दोनों यहीं बैठे हुए कार में क्योंकि शाम हो गई, बाहर निकलेंगे ना मच्छर उच्छर हमारा को काट लेंगे कहीं पे, तो वही वो लेने के लिए गए हैं जूस। तो बेबी रो रही थी पापा पापा, तो मैंने कहा पापा पीछे जा रहे हैं देखो यहाँ से विंडो से, तो वो यहीं से देख रही कि पापा जा रहे हैं कि कब आएंगे। उसके बाद हम लोग कॉलोनी अपने आ गए हैं, तो नीचे मेरे कॉलोनी में ना बहुत सारे झूले वगैरह लगे हैं, तो सोचा हमारे को चलो उसके दोस्तों से मिलवा देते कुछ खेल लगी बच्चों के साथ, तो यहाँ पे सारे बच्चे आके हमारे को प्यार कर रहे हैं और लेकिन वो शर्मा रही है क्योंकि जैसे नए नए लोग मिलते रहते ना तो वो कन्फ्यूज़ जाते कि कौन कौन है ये। अभी हम लोग घर आ गए हैं, शाम के 7:30 बज गए हैं और वहाँ पर जूस पिया था तो पता नहीं कैसा हेडेक होने लगा है, दिमाग ख़राब हो गया। बेटू आ गए आप, आज आ गई, देखो ना इसका मन नहीं बाहर घूमने का ना, ये तो आती नहीं है। आ गया मेरे बेटू, बाबू मेरा बहुत खेल रहा था कार में, उसको निन्नी भी आने लगी थी इसीलिए आज वह घर जल्दी से आ गया है ना। चलो कैसे जाते हैं बाबू, फिर मेरा निन्नी करेगा, निन्नी करोगे बेटू, बोलो निन्नी। यहाँ से जाने के पहले तुमने ये तोड़ा था मेरा बैग का, फिर तोड़ दो तुम कुछ मेरा उसमें से, क्या खोनो खोनो टेढ़े मेढ़े रखा, रुको दे देते, रुको दे देते, खाओगे ला मम्मा दे देंगे, ठीक है रुको रुको हम दे देंगे दे देंगे, ये लो लो ला। हाँ, वन हैंड में पकड़ लो। और अभी रात के 9 बज गए हैं क्योंकि वहाँ पे इसको बनाना खिलाया दिया था मायरा को, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे इसको दूध दे देते बॉटल में, तो वो पी ही नहीं रही, इतनी नौटंकी दिखा रही, पापा उसको पिला रहे लेकिन वो अपने मस्ती में लगी हुई, कह रही नहीं पीना नहीं पीना, भाग रही।